इधर क्रॉस वोटिंग पर रविदास मल्होत्रा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लालच देकर सपा विधायकों को अपनी तरफ किया है, ये कहते हुए नजर आए रविदास, क्योंकि दरअसल क्रॉस वोटिंग को लेकर हंगामा जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा हुआ है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग पर रविदास मल्होत्रा का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। वो यही नहीं रुके, आगे रविदास मल्होत्रा कहते नजर आए कि बीजेपी ने लालच देकर सपा विधायकों को अपनी तरफ किया है। पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जा रहे हैं। आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर जीत जाए, लेकिन आज भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है।